Hello everyone, I'm Dr. Meenakshi. Today we will study about the drug lithium palmitate, which is a very important drug in homeopathy in cases of joint problems, skin problems and many more with the correct symptomatology. So let's start with the introduction of the drug lithium palmitate. This name lithium palmitate, it is derived from the Greek word jiska kya matlab hai. Lithium ka matlab hota hai resinous प्रोडक्ट या रेजिनस एग्जुडेट एंड पॉलिस्ट्री का मतलब होता है स्वैम मार्शी. दैट मीन्स ये नेम सजेस्ट करता है कि इसके प्लांट के पार्ट्स में से रेजिनस प्रोडक्ट निकलता है या रेजिनस एग्जुडेट निकलता है एंड स्वैम्पी मार्शी एरिया से इसका रिलेशनशिप है. सो नाउ मूव विथ द इंट्रोडक्शन. दिस इज हाउ द प्लांट लुक्स लाइक. यू कैन सी लाइक इट इज़ अ प्लांट विच इज not a very tall and strong plant. It's a shrub basically जो कि shady areas में grow करता है या under the trees भी grow करता है. इसको grow करने के लिए जो है marshy damp soil का ज़रूरत होता है, marshy environment या damp environment की ज़रूरत होता है. even marshes में जो कहते हैं दलदल या swampy area में ये flourish करते हैं. now about the family, it belongs to Ericaceae family with a common name wild rosemary and marsh tea, and another common name is Labrador tea also. So with the common name we can see there is a relationship of tea, marshy, कहाँ से word आया, क्योंकि marshy areas में grow करते हैं इसलिए probably इसको marsh tea बोलते हैं. tea because traditionally इसकी leaves को use because of the strong aroma इसका decoction या फिर as an aromatic substance drinks में डालकर इसको use किया जाता था. इस वहीं से इसका मार्श की नाम आया है. इसके ये भी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल टाइम में ओल्ड टाइम में इसका टी एज अ टी ड्रिंक इसको किया जाता था, बट देर वॉज अ प्रोसेस कैसे इसको बनाया जाता था, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, इसका एक स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक इफेक्ट है, इट इज़ अ टॉक्सिक प्लांट. तो इसकी लीव्स को जब यूज़ किया जाता था टी बनाने के लिए तो इट इज़ नेवर बॉइल्ड. हमेशा इसको किस तरह से वो यूज़ करते थे लोग, they put the leaves in the water under the sunlight, not on directly on the heat, under the sunlight, and because with that heat plant जो है अपना aroma पानी में देता है उससे वो tree use करते थे. because if you boil or heat these leaves it can be lethal to the person. इसलिए मतलब वो उसमें toxic symptoms produce कर सकता है, इसलिए उसको इस तरह से preparation करी जाती थी. क्या इसका use हुआ था टॉक्सिक प्रोडक्ट की तरह, इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस देखा गया है लीडल जो है, जिसकी वजह से पेशेंट में डिजीनेस, वॉमिटिंग, डायरिया एंड वेरी सीवियर सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं. इसलिए इसका प्रिपरेशन इस तरह से होता है. कहाँ पर ये फाउंड होता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया, अमेरिका, जहाँ पर डैम्प सॉइल है होती है, इवन पार्ट्स ऑफ कैनेडा, ये वहाँ पर फ्लरिश करता है. एंड विच पार्ट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, विच इज़ द होल फ्रेश प्लांट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावर ब्लॉसम करता है उस समय इस प्लांट को जो है लिया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए. नाउ अबाउट द ट्रेडिशनल यूजेज, ऑलरेडी एक्सप्लेन की टी बनाने के लिए यूज होता है. दूसरा जो है ये इवन कुछ बिकॉज इट हैज़ इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, तो जो सम पीपल इन स्वीडन और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पर इसको एल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ करा जाता था टू इंक्रीज द टॉक्सिकेटिंग पावर, उसका और इफेक्ट ज़्यादा लाने के लिए. इवन ये जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हुआ करते थे बिकॉज इसका स्ट्रॉन्ग एरोमा है, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे ऑक्स है, पिग्स है, और जो भी लोग वहाँ पर रखा करते थे उनमें लाइस या कीड़े पड़ जाने की शिकायत रहती थी, तो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द लीव्स ऑफ दिस प्लांट वो उसके एरोमा को यूज़ करके दे यूज टू मेक द डोमेस्टिक एनिमल्स फ्री फ्रॉम द लाइस. तो ये इसका एक अनदर यूज़ है. एंड ये भी देखा गया एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि टॉक्सिक होता है जो भी इसको इंजेस्ट करता है उनके लिए, अदर देन गोट. गोट जो है वो इस प्लांट को इजीली जो है वो उनके लिए वो एडिबल होता है, वो उसको ले सकते हैं. नाउ अबाउट द डायथेसिस. डायथेसिस इसका गाउटी एंड रोमैटिक डायथेसिस देखा गया है. इसमें इट अफेक्ट्स
The rheumatic diathesis is going through all the changes from functional pain to altered secretions and deposits of solid earthy matter in the tissues. That is, here we are talking about the deposits, the inorganic deposits body में होते हैं, उनका ये diathesis है, और functional changes से लेकर यहाँ depositions तक जो है pathology जो है move कर सकती है. तो बेसिकली पेशेंट का रूमेटिक एंड गाउटी, यहाँ पर जो डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं वो गाउटी डिपॉजिट्स की बात करे जा रही है. नाउ अबाउट द थर्मल्स, पेशेंट का थर्मल्स, दिस रेमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस रेमेडी इज प्रूव बाय डॉक्टर हैनीमन, और उन्होंने इसके प्रीफेस में जब इस रेमेडी की प्रूविंग करी थी वहाँ क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू कोट दैट. इट इज सूटेबल फॉर द मोस्ट part only for chronic maladies in which there is a predominance of coldness and deficiency of animal heat. That means कि deficiency of animal heat का क्या मतलब होता है, मतलब patient chilly होता है, body में warmth की कमी होती है. That means like the thermals of the patient is chilly. तो यहाँ पर ये important है कि lidum का indication होगा तो patient में जो है deficiency of animal heat होगी, या predominance patient chilly होगा, अफेक्टेड होगा कोल्ड वेदर से. तो ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है केस ऑफ लीडम पॉलिस्ट्रोल रेमेडी. नाउ अबाउट द फिजियोलॉजिकल एक्शन, क्या अगर इस बॉडी ये प्लांट जो है बॉडी में फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस ला सकता है. तो दिस एजेंट हैज़ द कैपेसिटी टू रिटार्ड द कैपिलरी सर्कुलेशन especially of the extremities and the external surface of the body, and there is a coldness of the extremities. मतलब very important point to understand. जब हम देखेंगे capillary circulation का body में क्या use होता है, capillary circulation से tissues में जो है वो oxygen जाता है, nutrients जाता है, जिससे वो जो है they जो भी tissue parts हैं वो they live because of this nutrient. तो अगर कैपुलरी सर्कुलेशन रिटार्ड होगी तो दे कैन बी टिश्यू डेथ भी हो सकती है, या टिश्यूज में चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट. तो यहाँ पर इस वजह से ऐसी डिजीजेज जहाँ पर स्किन में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से अगर चेंजेस आ रहा है, एक्जिमा हो रहा है, इरप्शंस हैं, यहाँ वहाँ की कंडीशंस में भी दिस रेमेडी इज़ वेरी वेल इंडिकेटेड. सो ये इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इसका ब्लड वेसल्स पर या कैपिलरी सर्कुलेशंस पे अच्छा इफेक्ट है. दूसरा इफेक्ट जो इसका दूसरा एक्शन देखा गया है वो है स्मॉल जॉइंट्स के केसेस में, जहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं, नोडोसिटीज बन जाती हैं वहाँ पर, इवन स्किन के केसेस बिकॉज ऑफ दिस गाउटी डिपॉजिट्स और बिकॉज ऑफ द कैपिलरी सर्कुलेशन पेशेंट में जो है स्किन डिजीजेस डेवलप हो जाए, एक्जिमा डेवलप हो जाए. तो ये इसके कुछ मेन फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं ऑन द स्मॉल जॉइंट एंड ऑन द कैपिलरी सर्कुलेशन. नेक्स्ट इज स्फीयर ऑफ एक्शन, मतलब इसका कौन से बॉडी कौन से पार्ट पे ये बहुत अच्छे से ज़्यादा अच्छे से एक्ट करती है. मेन एक्शन इसका जो है फाइब्रस टिश्यूज पे होता है. मतलब हम बार बार इस पे फोकस करें कि स्मॉल जॉइंट्स, ये दीज आर स्मॉल जॉइंट्स, बॉडी में स्मॉल जॉइंट्स हैं, बिग जॉइंट्स हैं, पर इसका एक्शन जो है वो स्मॉल जॉइंट्स पे, वहाँ के फाइब्रस टिश्यू पे, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे, जहाँ पर डिपॉजिट्स हो गया है, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं. इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स जैसे जो मिनरल रिलेटेड होते हैं, कैल्शियम है एंड नॉट कार्बन रिलेटेड, वो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट कहलाते हैं. तो इस रेमेडी में इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, कैल्शियम रिलेटेड या फिर गाउटी जो क्रिस्टल्स आ जाते हैं वो, दैट इज़ ऑल कम्स अंडर दैट इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स. तो वो वहाँ पर इसका एक्शन है. सर्कुलेटरी सिस्टम पे ऑलरेडी टोल्ड यू, कैपिलरी सिस्टम पर है, और म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन पर इसका अच्छा एक्शन देखा गया है. तो विद इन सिम्टोमेटोलॉजी विल श्योरली सी कि कैसे फाइब्रस टिश्यूज में ये किस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करता है, स्किन में कैसे सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करता है. तो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेमेडी, कि ये इसका मेन एक्शन कहाँ है, गाउटी रूमेटिक डायसिस है. अब अबाउट द सिम्टोमेटोलॉजी वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.